महकमा मौसम तो कहना है कि शहर कायद में आज और कल फिर तेज बारिश होगी। शहर में जगह जगह पिछली बारिश के आसार अब तक मौजूद हैं। सड़कें एक बार फिर तालाब बनेंगी। इंडोनेशिया में मेकअप के सामान की तैयारियों में छुपकलियों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में MPA सबीन गुल ने प्रोटोकॉल ना मिलने पर DMS को मुअत्तिल करवा दिया। वफाकी हुकूमत ने 4 और 11 अक्टूबर को भी यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कश्मीरों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में मगरिब से आने वाली हवाएं बारिश का सबब बनी, जिससे दर्जाए हरारत में कमी और मौसम सुहाना हो गया। मुल्क भर में मौसम ने करवट बदल ली। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे और बारिश के बाद हफ्स का खात्मा हो गया। पिशावर में मां ने बच्ची को वॉशिंग मशीन में बंद कर दिया। दम घुटने से 5 साल बच्ची जहां बहाक हो गई। रावलपिंडी में फायरिंग करके पुलिस सब इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान वाकये के बाद बआसानी फरार हो गए। कराची में रात गए बारिश ने मौसम ठंडा और खुशगवार बना दिया। ताहम सड़कों पर खड़े पानी ने मोटरसाइकिल वालों को परेशान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का नया सिस्टम कराची में दाखिल हो गया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की आजादी मार्च में अदम शिरकत से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद की है। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 217 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अरिबा अफजल। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट साहिबान न्यूज़.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।